नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में छठ पूजा की ऑनलाइन बिक्री शुरू। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं का वोट होगा निर्णायक। दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूटपाट मामले में मिली कामयाबी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम बिहार दौरे पर। हरभजन ने चुनी पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूटपाट मामले में मिली कामयाबी। रविवार को 12,274 दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में सालेमपुर हॉल के पास यात्रियों से लूटपाट के मामले में गठित एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि इस गिरोह में शामिल एक सदस्य को एसआईटी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लुटेरे का नाम राजकुमार बताया जा रहा है और यह बख्तियारपुर के बड़ियारपुर नया टोला का रहने वाला है। इसे पुलिस के द्वारा बख्तियारपुर के आसपास के क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया है। लुटेरे के ठिकाने से एसआईटी को लूट का मोबाइल, यात्री का आई कार्ड, दवा समेत कई अन्य चीजें मिली हैं। इस घटना के बाद इस गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिनमें डीएसपी फिरोज आलम, सुशांत कुमार चंचल और प्रशांत कुमार समेत 6 रेल थानेदार शामिल थे। बिहार में छठ पूजा की ऑनलाइन बिक्री शुरू। डाक विभाग के द्वारा छठ पूजा को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत अब डाक विभाग छठ पूजा की सारी पूजन सामग्री को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। इस पहल की शुरुआत बीते बुधवार को भारतीय नृत्य कला मंदिर में डाक विभाग के स्टार्टअप के द्वारा की गई है। इन स्टार्टअप में शिल्पकार, बुनकर, चित्रकार और कुम्हार शामिल है। बता दें कि छठ पूजा से जुड़ी सभी पूजन सामग्री पटना के सभी मुख्य व उप डाक विभाग में मौजूद है, जहां से लोग खरीदारी कर सकते हैं। वहीं वैसे लोग जो राजधानी से बाहर रहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से इन सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम बिहार दौरे पर। इन दिनों पटना में डेंगू के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में केंद्र की स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम बिहार दौरे पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम में 4 लोग शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर रविशंकर सिंह, डॉक्टर संजीव गगोई, डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर लालथा जुआली शामिल है। यह टीम एयरपोर्ट से सीधे IGIMS अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने डेंगू वार्ड, ICU, माइक्रोबायोलॉजी लैब और ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद स्टाफ के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि यह टीम गुरुवार को भी PMCH और NMCA जैसे अस्पतालों में भी सभी चीजों का निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण किए जाने के बाद ये सभी रिपोर्ट मंत्रालय और विभाग को सौंपी जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा 20 सवाल भी पूछे गए, जो इलाज की व्यवस्था से पूछी गई थी। EBC आयोग में नहीं मिली RJD को जगह। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में EBC आरक्षण के लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। इसमें JDU के नेताओं को ही अध्यक्ष समेत दूसरे सदस्य बनाए गए हैं, जिसके बाद BJP के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के घटक दलों को आईना दिखा दिया है। नीतीश कुमार ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है और यह कह दिया है कि मैं तालिबानी शासक हूं। उन्होंने बताया कि पिछड़ा आयोग में एक भी दूसरे दल के सदस्य को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें केवल JDU दल के लोगों को ही सदस्य बनाया गया है और इसके साथ ही उन्होंने यह बता दिया कि मैं आज भी नीतीश कुमार हूं और मैं पलटी मार हूं। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं का वोट होगा निर्णायक। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि यह चुनाव 19 नवंबर को होने वाला है, लेकिन इस बार वोटर की लिस्ट में छात्राओं का तादाद अधिक है, इसलिए इस बार छात्राओं का वोट छात्र संघ चुनाव में निर्णायक होने वाला है। इसी को देखते हुए महिला कॉलेज के बाहर गतिविधियां भी तेज हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कुल वोटर 24,000 है, जिनमें से 50% से ज्यादा वोटर महिलाएं छात्र हैं, इसलिए अब चुनाव में उस व्यक्ति को ही जीत मिलेगी जिसे सबसे ज्यादा महिला वोटरों ने वोट दिया होगा। वहीं इस बार के चुनाव को लेकर महिला कॉलेज की छात्राएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही। IPS आदित्य के फ्रॉड दोस्त ने EOU के सामने उगले राज। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनकर DGP एसके सिंघल को फोन कराने के मामले को लेकर IPS आदित्य कुमार के फ्रॉड दोस्त अभिषेक अग्रवाल ने सभी कहानी टुकड़ों में बता दी है। अभिषेक ने आदित्य कुमार को अपना बेहद करीबी बताया है और यह भी कहा कि IPS को जिस तरह वाले मामले में राहत मिली है, उनमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। EOU सूत्रों के अनुसार अभिषेक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने DGP के अलावा कई दूसरे अधिकारियों को भी कॉल किया था और इसके लिए वो बकायदा अभ्यास भी करते थे। कई बार ऐसा होता था कि आदित्य अपने पास बिठाकर अभिषेक को फर्जी चीफ जस्टिस बनाकर अफसरों को कॉल करवाता था।
डीएलएड में नामांकन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना। बिहार विद्यालय अपरीक्ष समिति की ओर से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के संयुक्त परीक्षा को लेकर वेबसाइट विकसित किया गया है, जहां इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अपने नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अभ्यर्थी 2022-24 के प्रथम वर्ष में होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए 21 से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी की ओर से भरे हुए इस फॉर्म के आधार पर बिहार बोर्ड की ओर से प्रथम चयन सूची 9 नवंबर को जारी की जाएगी, वहीं दूसरी सूची 23 नवंबर और तीसरी सूची 28 नवंबर तक जारी की जाएगी। कांग्रेस ने एआईएमआईएम पर कसा तंज। कांग्रेस ने एआईएमआईएम के द्वारा गोपालगंज सीट से उम्मीदवार को उतारे जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी साहब आरएसएस और बीजेपी के सहोदर भाई है, जहां भाजपा जाती है वहां ओवैसी भी पहुंच जाती है ताकि भाजपा को लाभ हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बीते बुधवार को कहा कि ओवैसी को अब भारत की जनता के साथ साथ उनके बिरादर यानी कि मुसलमान के लोग भी पहचान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी से ओवैसी की दोस्ती है, तभी वो देश में चमकते हैं। बता दें कि सीमांचल में एआईएमआईएम को काफी अच्छी पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, हालांकि बाद में उनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। विकास को देख बौखला गई है बीजेपी। बीते दिन बुधवार को नगर भवन में जदयू द्वारा सद्भावना बचाओ देश बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौमुखी विकास कर रहा है, विकास को भाजपा देख नहीं पा रही है, बिहार में हो रहे विकास से भाजपा बौखला गई है, इसलिए साजिश के तहत उन्होंने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगवा दी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि वे अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दे। भाजपा सभी जगह शोर मचा रही है कि नीतीश कुमार के द्वारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सीएम नीतीश कुमार ने गरीबों को आरक्षण देने का काम किया है, समाप्त करने का नहीं। केंद्र सरकार की अति पिछड़ा के प्रति नजरिया ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर हमला। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब नीतीश की राजनीति से उब चुकी है, वे केवल लालू के इशारे पर चलते हैं और जेडीयू भी केवल आरजेडी के इशारे पर सभी कामें करती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा लोगों के साथ व्यवहार किया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के हित में ट्रिपल टेस्टिंग के लिए सरकार से आयोग बनाने को कहा था तब इनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा था। इनके इन्हीं रवैये को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को खारिज कर दिया, तब इन्होंने रात में अंधेरे में आयोग का निर्माण किया। गिरते रुपए पर लालू ने जताई चिंता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रुपए के कमजोर होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप में सबसे कमजोर हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे टूट गया है और अब 83.01 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। वे लोग जिन्होंने रातों रात नोटबंदी करवा दी थी, अब उनके द्वारा इस बात को लेकर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सभी ने कभी गरीबी बेरोजगारी और महंगाई पर भी कुछ नहीं बोला है। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश को लेकर किया बड़ा दावा। नीतीश के करीबी रह चुके प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने करीबी सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हरिवंश के जरिए ही एक बार फिर नीतीश और बीजेपी के बीच संवाद का रास्ता खुल गया है। आखिर नीतीश कुमार ने हरिवंश से क्यों नहीं कहा कि वे उस पद को छोड़ दें जो उन्हें बीजेपी की कृपा से मिला है, क्योंकि नीतीश ने हरिवंश को इस बात के लिए बचा कर रखा है कि जब मौका मिले तो वो हरिवंश के सहारे बीजेपी में शामिल हो सके। नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने का कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे, इसलिए अगर ऐसा होता है तो हम सभी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बीएचएसए ने बढ़ाई 13वीं की मुश्किलें। आईएमए की मांग के बाद बीएनएमसीएच के अधीक्षक के निलंबन वापसी से इनकार कर चुके स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि अब आईएमए के साथ बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन भी सरकार के फैसले के विरोध में उतर गई है। बीएचएसए के महासचिव डॉक्टर के द्वारा कहा गया है कि तेजस्वी यादव को अधूरी बात बताई जा रही है। ये तो एकदम विरोधाभासी बात है कि एक तरफे जहां सिविल सर्जन डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और चिकित्सा पीडी अधिकारी डॉक्टरों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट भी दे रहे हैं, दूसरी ओर वे सभी उनके वेतन की सिफारिश भी कर रहे हैं। महासचिव ने कहा कि तेजस्वी को जिन डॉक्टरों की सूची दी गई है और एब्सेंट की बात कही गई है उनमें से कई डॉक्टरों ने पहले से ही इस्तीफा दे रखा है।
हरभजन ने चुनी पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर करेगी। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 2007 में वर्ल्ड कप विनर के सदस्य रह चुके युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का चयन कर लिया है। हरभजन सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि उनके अनुसार टीम साफ है, अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल को जरूर शामिल किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर्षल पटेल को शायद मौका न मिले। वहीं दीपक हुड्डा और आर अश्विन को पहले कुछ मैचों में मौका मिले। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम, आज यानी गुरुवार को बिहार में पेट्रोल डीजल के नए रेट लागू कर दिए गए हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में 28 और 26 पैसे की घटोतरी की गई है। गुरुवार को सुबह के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 108 रुपए से 87 पैसे, वहीं डीजल के दाम 95 रुपए से 54 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहां डीजल के दाम 94.36 रुपए प्रति लीटर है और पेट्रोल का दाम 107.59 रुपए प्रति लीटर है। यहां पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल के दाम में 4 पैसे बढ़ोतरी की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.07 रुपए और डीजल की कीमत 94.69 रुपए प्रति लीटर की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुलदीप कुमार, मोहम्मद सफी अहमद, नन्नू कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, उमेश ऋषिदेव, राकेश शर्मा, अनवर करीम खान, मंगिता भारती, पवन सिंह, के सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, सनी देवल, शंकर मुखिया, वीरेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, डेंगू के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।